हेलो दोस्तों, मैं शुभम, आपका दोस्त स्वागत है डेली टॉक के एक और स्पेशल एपिसोड में। लेके आए आपके इलाज के कमाल की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली की ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अपडेट स्टीफन हॉकिंग के अंतिम शोध को लेकर आपको बता दें। स्टीफन हॉकिंग जो बहुत महान वैज्ञानिक और जो बहुत बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिनकी दरअसल अभी कुछ दिन पहले मौत हुई थी, आपको बता दें इन्होंने अपनी मौत से 10 दिन पहले एक शोध लिखा था, एक थ्योरी प्रकाशित की थी। आपको बता दें इसमें ऐसा दावा उन्होंने किया था कि ब्रह्मांड में आज भी ऐसी कई जगहें हो सकती हैं, कई खगोल पिंड, कई ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां पर जीवन होगा और जहां पर हमारे जैसे लोग बिल्कुल जी रहे होंगे। आपको बता दें उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि डायनासोर हो सकता है आज हमारे पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आज भी डायनासोर हों। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है वहाँ पे मानव आज भी शिकार कर रहा हो और वहाँ पे आज भी मानव अपने प्रथम चरण में हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हो सकता है कई ऐसी जगहें हों, कई ऐसे ब्रह्मांड दूसरे भी हो सकते हैं जहाँ पे सूर्य और तारे ना हों, लेकिन जो भौतिकी के नियम हैं, जो फिजिक्स के नियम हैं, हो सकता है हमारी तरह हों या हमसे बिल्कुल उलट हों। उन्होंने कहा कि ऐसी भी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे हो सकता है जो चीज़ आज तक हमने देखी ही नहीं है, वैसी चीज़ और वैसी थ्योरी वहाँ पे काम कर रही हो, लेकिन वहाँ पर भी समाज। आपको बता दें स्टीफन हॉकिंग ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों अगली अपडेट है डेटा चोर कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेकर। आपको बता दें फेसबुक से डेटा चुराने वाली 87 लाख लोगों का डेटा चुराने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका बंद होने वाली है। आपको बता दें इसने फेसबुक से डेटा चुराया था और अमेरिका के जो चुनाव हुए थे 2016 में उसको प्रभावित करने के लिए फेसबुक से इसने डेटा चुराया था, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके और ऐसे लोगों को जिताया जा सके जो जीतने के भी काबिल नहीं है। आपको बता दें इसने डेटा चुराया था, उसके बाद से कंपनी बहुत ही ज़्यादा घाटे में चली गई। उसके बाद कंपनी ने यह भी अभी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि कंपनी पे जो आरोप हैं वो गलत लगाए गए हैं। उसके अलावा कंपनी ने कहा कि इन आरोपों की वजह से उसको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, उसके सपोर्टर बिल्कुल कम हो गए हैं और बिल्कुल नहीं बचे हैं। इस हिसाब से कंपनी ने कहा कि उसका व्यवसायिक घाटा हो रहा है, आर्थिक रूप से कंपनी घाटे में चली गई है। इस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने निर्णय लिया है कि कंपनी बंद होने वाली है। आपको बता दें कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी। दोस्तों अगली अपडेट प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को लेकर। आपको बता दें कि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कैंपस खोला गया था मणिपुर में। आपको बता दें इसका विस्तार अब किया जा रहा है खेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें लखनऊ का चयन किया गया है। आपको बता दें लखनऊ में एक साल के अंदर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस खोला जाएगा। इसमें शुरू में सिर्फ 3 कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका स्पोर्ट जर्नलिज्म होगा, स्पोर्ट मैनेजमेंट में MBA, उसके अलावा स्पोर्ट साइंस में MSc शुरू में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसमें और भी कोर्स बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन शुरू में ये 3 ही कोर्स पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि अभी इसके कैंपस और भी राज्यों में खोले जाएंगे बाद में, पहले जो लखनऊ का कैंपस है वो बन जाए। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना है, इसको दरअसल इसलिए भी विस्तार दिया जा रहा है ताकि जो खेल में हम लोग चाइना वगैरह को भी पछाड़े आने वाले समय में, क्योंकि चाइना वगैरह बहुत ज़्यादा पदक ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस सब खेल में आगे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि जो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है उसके और भी कैंपस और भी राज्यों में खोले जा सकें। दोस्तों अगली अपडेट है SC ST Act को लेकर। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की सरकार की उस याचिका की जो अभी कुछ दिन पहले दायर की गई थी, इतना ज़्यादा हंगामा होने के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो परिवर्तन की है SC ST Act में गिरफ्तारी को लेकर, उसको बदल दिया जाए ताकि जो SC ST Act में तुरंत गिरफ्तारी हो सके लोगों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी तुरंत नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी तभी होगी जब इसकी ज़रूरत हमें महसूस होगी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों को इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोई झूठा तो नहीं फंसाया जा रहा है, चाहे वो FIR के बाद की बात हो, चाहे FIR से पहले की बात हो, तो अफसर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोई झूठा तो नहीं फंसाया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लगभग 85% मामलों में 75% लोगों को बरी कर दिया जाता है गिरफ्तार करने के बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आरोपी नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो पहले जो एक्ट था SC ST Act, इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, उसमें लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा था। तो इसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परिवर्तन किए गए हैं वो सही हैं। आपको बता दें इसकी अगली सुनवाई 16 मई को होगी, तो लास्ट डिसीजन तभी आएगा। दोस्तों अगली बेटे दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स
और आधार कार्ड को लेकर। आपको बता दें बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स, उन्होंने बताया कि जो आधार कार्ड है उससे निजता की कोई भी खतरा नहीं है, निजता को कोई भी खतरा नहीं है, उससे किसी भी तरह का डेटा लीक होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो सेवा है जो भारत में चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आपको बता दें उन्होंने बताया इससे कई तरह का जो भ्रष्टाचार है वो रोका जा रहा है, उसके अलावा भविष्य में भी कई तरह का भ्रष्टाचार है वो इससे रोके जा सकते हैं। तो जो आधार कार्ड को लेकर लोगों में जो आशंकाएं चल रही हैं डेटा को लेकर, उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोगों में क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये डेटा लीक नहीं होगा। आपको बता दें कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने विश्व बैंक में बहुत सा फंड दे रखा है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि दूसरे जो देश हैं वहाँ पे भी आधार कार्ड जैसी व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो इस हिसाब से जो बिल गेट्स हैं वो आधार कार्ड को सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिससे भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों अगली अपडेट है आरबीआई के एक बहुत बड़े खुलासे को लेकर। आपको बता दें आरबीआई के अंतर्गत एक आरटीआई डाली गई थी जिसमें ये पूछा गया था कि आरबीआई बताए कि अब तक कितना घोटाला हो चुका है, कितनी बैंकों ने कितने रुपये का घोटाला किया है। तो आपको बता दें कि इसका खुलासा करते हुए आरबीआई ने बताया कि 5 सालों के अंदर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले हो चुके हैं, जिसमें जो घोटालों की संख्या है वो 23,000 बैंक घोटालों से भी ज़्यादा है। मतलब 23,000 बैंक के घोटाले से ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले हुए हैं। आपको बता दें इसका खुलासा एक आरटीआई के अंतर्गत हुआ। इस आरटीआई के अंतर्गत ये जो आरबीआई है उसने ये सब आंकड़े दिए। दोस्तों अगली अपडेट है एनसीईआरटी की नई गाइडलाइंस को लेकर। आपको बता दें एनसीईआरटी ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की। ये दरअसल जो गाइडलाइन है वो प्ले स्कूल को लेकर है। एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के अलावा उनकी आदत, उनके व्यवहार पर भी पूरी नज़र रखी जाए और पूरा उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए कि वो कैसे और किस चीज़ का व्यवहार कर रहे हैं। आपको बता दें एनसीईआरटी ने कुछ इसमें टिप्स बताए। उसने कहा कि बच्चों की जो पेंसिल पकड़ने का तरीका है उसको नोटिस किया जाए, उसके अलावा बच्चे दूसरे दोस्तों से कैसे बात कर रहे हैं, जल्दी झगड़ जा रहे हैं या जल्दी लड़ रहे हैं, उसके अलावा किस क्वेश्चन का कौन सा बच्चा जल्दी जवाब दे रहा है, कौन सा बच्चा देर में, उसके अलावा वो अपने जो इंटरवल होता है उसमें अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं बच्चों की एक्टिविटी, उन पर पूरी नज़र रखी जाए प्ले स्कूलों के द्वारा, ताकि जो बच्चे के व्यवहार है और जो उसकी आदतें हैं उनका पूरी तरह से एनालाइज किया जा सके और पूरी तरह से एक रिपोर्ट कार्ड और एक सर्वे एक तरह का तैयार किया जा सके। आपको बता दें इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कई तरह के सुधार किए जा सकते हैं, उसके अलावा जो बच्चों के जो व्यवहार है उस पर भी कई रिसर्च हो सकती हैं जिससे आने वाले समय में कई तरह के सुधार किए जा सकते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है फेसबुक की तरफ से। आपको बता दें फेसबुक में आप एक और चीज़ कर पाएंगे, मतलब रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आपको बता दें फेसबुक ने इसकी अभी घोषणा की जल्दी ही। आपको बता दें अब फेसबुक में आप जो भी पोस्टें आती हैं या जो भी किसी भी तरह के मैसेज वगैरह होते हैं उनको आप किसी भी लैंग्वेज में रियल टाइम में कन्वर्ट कर पाएंगे, रियल टाइम में उनको जान पाएंगे कि उनका मतलब आपकी भाषा में क्या है। आपको बता दें ये उसी तरह से काम करेगा जैसे कि आप गूगल जब क्रोम यूज करते हैं तो नीचे आपको एक सजेशन देता है कि इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, किसी भाषा में कन्वर्ट कर दें। उस तरह से फेसबुक भी ये एक टूल आने वाला है जिसमें फेसबुक पर आप किसी भी लैंग्वेज की पोस्ट होगी उसको आप किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर पाएंगे, उसके बाद उसका मतलब जान पाएंगे कि वास्तव में उसका मतलब क्या है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, आप शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए डेली की ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।